आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम मजेदार लज्जतदार रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं शेयर करूंगी एकदम बढ़िया ढाबे जैसा रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर बनाने के। देखने में ये जितना लाजवाब है खाने में उतना ही टेस्टी है। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। जब कभी घर में मेहमान आए या खुद ही कुछ अच्छी सी सब्जी डिफरेंट स्टाइल में बनाने का मन करे तो ये वाली मटर पनीर की सब्जी ट्राई करनी तो जरूर बनती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स स्टार्ट कुकिंग। रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे। पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज कर सकते हैं, और साथ में डाल देंगे एक चम्मच बटर। ध्यान रखिएगा पहले बटर कभी मत डालिएगा क्योंकि बटर नीचे लग जाता है, उसमें जलने की स्मेल आ जाती है। तो पहले ऑयल डालेंगे उसके बाद बटर डालेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे क्यूब शेप में कटे हुए पनीर के टुकड़े। आप किसी भी शेप में पनीर काट सकते हैं और इसे हल्के हाथ से हिलाते हुए अलटते पलटते हुए हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउनिश कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। एक बोल में हम लेंगे गुनगुना पानी जिसमें बस हमारी उंगली डिप हो जाए इतना ही गर्म पानी। इसमें हम अपने फ्राई किए हुए पनीर को डाल देंगे। ऐसा करने से हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और इसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा। अब सेम पैन में जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। आप मोटा मोटा कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं। इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। साथ में डालेंगे हरी मिर्ची, कटा हुआ टमाटर। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से हमारा फ्राइंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है और टमाटर भी जल्दी गल जाते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढककर कुछ मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको पकने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। 5-7 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमको ऊपर बस हल्के से टमाटर को मैश करके देख लेना है। टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। बस अब हमें गैस को कर देना है बंद और इस मिक्सचर को ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लेना है। ये देखिए इस मिक्सचर को मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना दिया है। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। ऑयल गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे के साथ ही हम डालूंगी 1-2 तेज पत्ता और तेज पत्ते के साथ ही 3-4 डालेंगे हम लौंग। अब हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। इसको हमेशा हमें तोड़ के डालना चाहिए, आप चाहें तो इसे डीसीड करके भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर। इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ देगी लाल मिर्च। इसको डालने से हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, इससे हमारी सब्जी का कलर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। इन सबको मिक्स करके हम हल्के आंच पे फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज टमाटर का पेस्ट। इसको डालने के बाद हम एक बार हल्का सा फ्राई कर लेंगे लेकिन लगातार चलाते हुए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जिस ग्राइंडर में हमने पेस्ट बनाया था ना उसी में पानी मिक्स करके मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और एकदम तेजी से हिलाकर फिर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब पानी डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। बस इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको ढक कर 6-7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। 6-7 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा मसाला कितना पक गया है। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पकना शुरू हो गया है। इसमें साइड्स पे हल्का हल्का घी भी छोड़ दिया है लेकिन ये अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट जितना पका नहीं है। अब हम इसे लगातार हिलाते हुए हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट तक और भूनेंगे।
आप फूड लॉजिक्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी रेसिपीज, वीडियोस, फोटोज, आने वाली रेसिपीज की इंटीमेशन शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे तो मैं रिटर्न रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। भूनते भूनते जैसे ही ये थिक हो जाए, और ये देखो जैसे इसने अपना कलर चेंज कर लिया, बस इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच मलाई। बस हमने घर की मलाई को ही अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर देना है, और मलाई डालने के बाद इसको एक बार अच्छे तरह हिलाकर फिर से भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्रेश मटर। मटर डालने के बाद हम इसको मटर को मसालों के साथ हल्का सा भून लेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे ताकि मसाले मटर में चले जाएं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि हमारे मटर गल जाए, उतनी देर के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 5-7 मिनट हो गए हैं हमारी सब्जी को उबलते हुए। अब इसमें हम चेक कर लेंगे कि मटर गल गए हैं कि नहीं। आप चाहे तो उंगली से एक मटर को दबाकर भी चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर हमें नमक जरूर टेस्ट कर लेना चाहिए। मुझे अपनी सब्जी में थोड़ा नमक कम लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। और साथ में ही हम ऐड कर देंगे अपना फ्राई किया हुआ पनीर। इस रेसिपी में हमने काजू या क्रीम किसी भी इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है ये। अब इसको हम ढककर 2-3 मिनट और पका लेंगे। इस स्टेज पे आप कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपकी सब्जी ज़्यादा थिक है, तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पका लीजिएगा। ये देखिए हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है हमारे मटर पनीर का। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल ये मटर पनीर बनके रेडी हो गया है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी और भी मेन कोर्स रेसिपीज शेयर की हैं, पनीर की रेसिपीज, वेज नॉन वेज रेसिपीज। क्या आपने देखी? उन सबका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लगी। आपने पूरा वीडियो अगर देख ही लिया है, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 1 लाइक तो बनता है। ऐसी ही मज़ेदार, इजी, होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन का भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइमली मिलती रहे। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ स्पेशल रेसिपीज देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊं। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।